शारदा जी रसोई में काम करते करते थक चुकी थी। वह पिछले 2 सालों से अपने बेटे के घर पर रह रही थी और तब से उनके बेटे और बहू ने घर का सारा काम उनके बूढ़े कंधों पर ही डाल रखा था। फिर भी शारदा जी सारा काम कर लेती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि वह जो कुछ भी कर रही हैं अपने बच्चों के लिए ही तो कर रही हैं। इससे पहले शारदा जी अपने बेटे के साथ रहती थी, लेकिन पति के गुजरते ही बेटा उन्हें शहर लेकर चला आया था और गांव वाला घर उसने बेच दिया था। शारदा जी बहुत भोली भाली थी और बेटे पर वो आंख मूंद कर भरोसा करती थी, लेकिन जब से उनकी कमर और घुटनों में दर्द रहने लगा था तब से बेटे बहू उनसे बहुत चिढ़ने लगे थे, क्योंकि अब वह पहले की तरह फुर्ती से सारा काम नहीं निपटा पाती थी। और फिलहाल उनकी बहू वसु प्रेग्नेंट थी तो बहू तो घर का काम बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। ऊपर से आजकल शारदा जी को अपनी बहू के पैरों में तेल की मालिश भी करनी पड़ रही थी, क्योंकि बहू अक्सर पैर में दर्द की शिकायत करती रहती थी। शारदा जी भी उसे बिल्कुल बेटी की तरह प्यार करती थी, इसलिए उसके पैरों में तेल लगाने से भी पीछे नहीं हटती थी। लेकिन आज उनके खुद के कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। डिनर के समय उनका बेटा तरुण रसोई में आया और कहने लगा, माँ खाना बन गया है तो खाना लगा दो। शारदा जी ने खाना लगा दिया तो सभी लोगों ने खाना खा लिया। फिर शारदा जी आराम करने के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो तरुण कहने लगा, माँ वसु के पैरों में दर्द हो रहा है, जरा उसके पैरों में तेल लगाकर उसके पैर दबा दो ना। शारदा जी ने कहा, बेटा आज तो मेरी खुद की कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे अपने कमरे में आराम करने के लिए जाना है, आज मुझसे और कोई काम नहीं होगा। तरुण गुस्से में बोला, माँ तुम्हें मेरी पत्नी का पैर दबाना ही होगा, तुम्हारी कमर में थोड़ा दर्द ही तो है, तुम्हारे प्राण तो नहीं निकल गए ना, चलो चुपचाप मेरी पत्नी की सेवा करो। फिर दर्द से छटपटाती माँ ने विरोध भरे स्वर में कहा, नहीं बेटा आज मेरी कमर में ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, वह तो बहू भूखी ना रह जाए इसलिए मैंने किसी तरह खाना बना दिया है, लेकिन अब मुझसे 1 मिनट भी बैठा नहीं जा रहा है, अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए। तुम्हारी पत्नी के पैरों में दर्द हो रहा है तो तुम अपनी पत्नी के पैर दबा लो, आखिर तुम भी बाप बनने वाले हो, तुम भी थोड़े फर्ज निभा लो, हर उम्मीद मुझसे ही क्यों है बेटा। तरुण बौखला गया और कहने लगा, अरे अगर सारे काम मैं ही करूँगा तो तुम्हें घर में रखने का फायदा ही क्या है, तुम्हें नहीं पता कि तुम बिल्कुल बेकार हो चुकी हो, तुम्हें तो मैंने अपने घर में इसीलिए रखा है ताकि तुम मेरी पत्नी की सेवा करो, उसके बाद जब बच्चा घर में आ जाएगा तब भी तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए तो मैं तुम्हें 2 वक्त का भोजन देता हूँ, तुम पर खर्च करता हूँ ताकि तुम थोड़े बहुत काम करके हमारी मदद कर पाओ, अगर तुमसे कोई काम होगा ही नहीं तो फिर मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त में बिठा कर नहीं खिलाने वाला। शारदा जी पर मानो कोई वज्र गिर पड़ा हो, वह हैरानी से बोली, यह तू क्या कह रहा है बेटा, जब तू छोटा था कोई काम नहीं कर पाता था तब क्या मैं तेरा ध्यान नहीं रखती थी, तुझे खाना पानी नहीं देती थी, अगर आज मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा तो तू मुझे खाना नहीं देगा, अपने घर में नहीं रखेगा। बोलते बोलते उनकी आवाज भारी होने लगी तो तरुण गुस्से में बोला, अब रोध होकर घर में मनहूसियत मत फैलाओ, वैसे ही तुम दिन भर आंसू टपकाती रहती हो जिसके कारण घर में बरकत नहीं होती है। शारदा जी ने गुस्से में कहा, तुझे जो कहना है कह ले, अब से मैं ना तो इस घर का कोई काम करूंगी और ना बहू का कोई काम करूंगी, देखती हूँ तू क्या कर लेता है। तरुण गुस्से में भन्नाते हुए बोला, तुम देखना चाहती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी माँ के बाह को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। शारदा जी हैरान रह गई, वह यह तो देख रही थी कि बेटा उनका अपमान कर रहा है, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इस तरह उन्हें रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल देगा। वह काफी देर तक सड़क पर खड़ी रही, उन्हें तो दरवाजा पीट कर घर के अंदर दोबारा जाने का मन भी नहीं कर रहा था, दुख पीड़ा और अपमान के मारे उनकी आंखों से आंसू जरूर बह रहे थे, लेकिन अब वह दोबारा उस घर में कदम नहीं रखना चाहती थी जहां उनका इतना अपमान हुआ हो। भले ही उनके पास कुछ नहीं था लेकिन उनका स्वाभिमान अब इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि वह दोबारा से उस घर में कदम रखें। आखिर उन्होंने अपने बेटे बहू के काम आने में कौन सी कमी रख दी थी, अगर आज उनकी कमर में दर्द हो रहा था और उन्होंने अपने हिस्से का थोड़ा आराम मांग लिया था तो उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध कर दिया था कि बेटे ने आज उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। वह फफक फफक कर रो पड़ी और बेख्याली में ऐसे ही सूनी सड़क पर आगे बढ़ने लगी। उन्हें कुछ पता नहीं था कि यह सड़क उन्हें कहां लेकर जाएगी, लेकिन अब वह अपने बेटे बहू से बहुत दूर चली जाना चाहती थी। वह चलते ही जा रही थी तभी सामने से आती एक कार की लाइट से उनकी आंखें चुंधिया गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, वह कार उनके सामने आकर खड़ी हो गई। कार से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर आया और घबराई हुई सी आवाज में पूछने लगा, अरे माता जी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। शारदा जी ने धीरे से कहा, नहीं नहीं साहब मुझे कहीं चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस आदमी ने गौर से शारदा जी का चेहरा देखते हुए कहा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं?
शारदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने भरे गले से कहा, जिस माँ के बच्चे ने उसे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया हो वह सड़क पर नहीं होगी तो और कहाँ होगी साहब। उस आदमी ने कहा, चलिए माता जी आप मेरे साथ कार में बैठिए, इस तरह आप रात को कहाँ भटकती रहेंगी। शारदा जी ने हैरानी से उस आदमी की ओर देखते हुए कहा, नहीं साहब मैं आपके साथ कहाँ जाऊंगी। तभी कार के अंदर से एक लड़की उतर कर आई, वो काफी देर से यह सब देख रही थी। उसने उतरते ही कहा, क्या हुआ पापा सब ठीक है ना, मैं किसी को कॉल कर रही थी इसलिए मैंने कुछ सुना नहीं। आदमी ने अपनी बेटी से कहा, जरा मेरे साथ आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों बाप बेटी थोड़ी देर तक बात करते रहे, फिर वो लड़की शारदा जी के पास आई और कहने लगी, आंटी जी हमारे साथ चलिए, हम पर भरोसा करिए, हम गलत लोग नहीं हैं। शारदा जी ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, जिस माँ को उसके बेटे ने ही छला हो वह भला किसी को क्या सही गलत समझेगी, लेकिन बेटी तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे बहुत अपनापन सा महसूस हो रहा है इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शारदा जी के पास और कोई ठिकाना तो था नहीं, इसलिए उन्होंने इन लोगों को ईश्वर के द्वारा भेजी हुई मदद के रूप में स्वीकार किया और उन दोनों के साथ कार में बैठकर चल पड़ी। तृप्ति कार में उनके साथ बातें करती रही। बातों ही बातों में शारदा जी को पता चला कि उस आदमी का नाम महेश्वर दत्त है और लड़की का नाम तृप्ति है। रात काफी हो चुकी थी तो तृप्ति घर पहुंचने के बाद उन्हें एक कमरे में ले गई। शारदा जी बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी, जिंदगी उन्हें कहां से कहां लेकर आ गई। कल तक वह अपने बेटे बहू की गुलामी कर रही थी और आज पता नहीं ये कैसे लोग उन्हें मिले हैं जो उनके साथ इतने प्यार और अपनेपन से बातें कर रहे हैं। सुबह तृप्ति गर्म चाय की प्याली के साथ उनके कमरे में आई और उनके साथ बैठकर चाय पीते हुए उनसे बातचीत करने लगी। बातों ही बातों में उसने बताया कि मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ जो ऐसे ही बेसहारा बुजुर्गों के लिए कार्य करता है। हम सबने मिलकर एक छोटा सा घर बनाया है जिसका नाम रैन बसेरा है। वहाँ पर आप जैसे ही 8 बुजुर्ग पहले से ही रहते हैं और मैंने सोचा है कि मैं आपके रहने की व्यवस्था भी वहीं पर करवा दूंगी। शारदा जी को यह बात सुनकर बड़ा सुकून मिला कि उनके रहने का एक पक्का इंतजाम हो गया है। शारदा जी सुबह नाश्ते के बाद अपने नए घर में पहुंच चुकी थी। वहां पर मौजूद बुजुर्गों ने उनका स्वागत किया। सभी की आंखों में एक अंतहीन पीड़ा थी। सभी लोग बिना कहे ही एक दूसरे का दर्द समझ रहे थे। सभी लोग अपने अपने बच्चों के द्वारा सताए हुए थे। शारदा जी को वहां बहुत अपनापन सा महसूस हुआ। एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें करते हुए कब सब अपने से बन गए कुछ पता ही नहीं चला। शारदा जी को वहां पर रहते हुए 1 महीने हो चुके थे। महेश्वर दत्त और तृप्ति बीच बीच में वहां पर आकर सबसे मिला जुला करते थे। एक दिन महेश्वर दत्त शाम को बगीचे में बैठकर चाय पीते हुए सभी से बातचीत कर रहे थे। शारदा जी को वहां पर सबके साथ बैठकर बात करने में बहुत सुकून महसूस हो रहा था। तभी बाहर कार के रुकने की आवाज आई। सभी लोगों की नजरें उस ओर उठ गई। शारदा जी यह देखकर हैरान रह गई कि कार से तरुण और वसु उतर रहे थे। उन दोनों को देखकर महेश्वर दत्त जी ने बुरा समूह बनाया। शारदा जी भी दूसरी ओर देखने लगी, लेकिन वो दोनों चलते हुए सीधे शारदा जी के पास आए और उनके पैरों के पास बैठकर रोते हुए माफी मांगने लगे। यह देखकर शारदा जी हैरान रह गई कि कल तक जिन बच्चों ने उन्हें इतना अपमानित किया था आज वह लोग माफी कैसे मांग रहे हैं। तरुण गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, माँ हमें माफ कर दो और घर वापस लौट चलो, हम तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे, कभी तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे और तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, बस मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दो। बहू भी रोते हुए कहने लगी, हाँ मम्मी जी आज के बाद से मैं कभी भी आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी, आप हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ चलिए। वह स्तब्ध होकर बेटे बहू का चेहरा देखने लगी। तभी महेश्वर दत्त जी वहां पर पहुंचे और शारदा जी से कहने लगे, आप इतनी हैरान क्यों हैं? आपको लग रहा होगा कि आपके बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन आपको असमंजस में रहने की जरूरत नहीं है। असल बात क्या है वह मैं आपको बताता हूँ। बात दरअसल यह है कि मैं तरुण का बॉस हूँ। एक बार जब आपके घर पर तरुण के जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी तब मैं भी वहां पर आया था। उसी समय मैंने आपको वहां पर देखा था। शायद आपने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको उस रात सुनसान सड़क पर देखते ही पहचान गया था कि आप तरुण की माता जी हैं। फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं कहा। मैं यह देखकर हैरान था कि तरुण कितना नालायक बेटा है। जब मुझे तरुण की असलियत समझ में आई तो मैंने तरुण को काम से निकाल दिया। और शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारी कंपनी इतनी जानी मानी है कि मेरे यहाँ से निकाले हुए बंदे को कोई जल्दी काम पर नहीं रखता है। तरुण के साथ भी यही हुआ। उसने मेरे निकाले जाने पर मुझे ही चुनौती दे डाली कि मैं अपनी माँ को घर में रखूं या घर से निकालूं, इससे तुम्हें क्या, मैं कहीं भी नौकरी कर सकता हूँ। लेकिन आज इसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो यह आपसे माफी मांगने के लिए आया है ताकि मैं भी इसे माफ कर दूं और दोबारा से अपनी कंपनी में वापस रख लूं। आज सुबह ही मेरे पास तरुण का फोन आया था। ये मुझसे ये कहकर माफी मांग रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं माँ को वापस लेने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन मैं तो समझ गया था कि असल बात क्या है। मैंने तो आपको सच्चाई बता दी है,
और तरुण, तुम चाहे कितनी भी माफी मांग लो, तुम्हारी माँ चाहे तुम्हें माफ भी कर दे, लेकिन मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ कि मेरी नजरों से कोई एक बार गिर गया तो फिर गिर गया, मैं उसे दोबारा मौका देकर बेवकूफी नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी में काम पर वापस नहीं रखूंगा। बाकी अगर तुम्हारी माँ तुम्हें माफ करे तो यह तुम दोनों माँ बेटे के बीच की बात होगी, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। आगे माताजी देख लेंगी कि इन्हें तुम्हें माफ करना है या नहीं। इतना कहकर वो वहां से चले गए। तब शारदा जी बेटे की ओर व्यंग भरी नजरों से देखते हुए कहने लगी, बेटा आज जब तुझे कोई काम नहीं मिल पा रहा है तब तुझे इस बूढ़ी माँ की याद आई, तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, और जब यह बूढ़ी माँ तेरे सिर पर बोझ बनकर बैठी थी, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही थी, तब तू कितना परेशान रहता था, तो फिर अब तू दोबारा इस बोझ को अपने सिर पर ढोने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? जा खुलकर अपनी जिंदगी जी, अपनी पत्नी की देखभाल कर, अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच और उसे सही परवरिश देने की कोशिश करना। कल को वह भी तेरी तरह बन गया तो मेरी तरह ही तेरा बुढ़ापा भी बर्बाद हो जाएगा और तेरी परवरिश भी मेरी परवरिश की तरह ही कलंकित हो जाएगी। इतना कहकर शारदा जी ने गुस्से और घृणा के मारे अपना मुंह फेर लिया और उठकर वहां से चली गई। तरुण और वसु ठगे हुए से रह गए। उन्होंने तो सोचा था कि माँ बहुत भावुक है, उनके सामने रोध होकर वह लोग माँ को मना लेंगे और महेश्वर दत्त जी वापस से तरुण को काम पर रख लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तरुण और वसु खाली हाथ वहां से वापस लौट गए, क्योंकि अब शारदा जी को एक स्वाभिमान भरी जिंदगी मिल चुकी थी और अब दोबारा वह बेटे बहू के चंगुल में फंसकर खुद का इस्तेमाल नहीं होने देना चाहती थी। तो दोस्तों, आपको शारदा जी का फैसला कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए लाइफ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।